लक्ष्मी में शालू भाजवा की भूमिका निभाने वाली मुनीरा कुदरती इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मुनीरा जी, सबसे पहले TV29 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप दिल्ली में हैं और इंडिया टॉप मॉडल शो में आप हिस्सा रही, आप एज ए चीफ गेस्ट रही। सबसे पहले शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शो के बारे में यही कहना चाहूँगी कि शो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। इट्स ऑर्गेनाइज बाय गुंजन जैन एंड मेरी विद्या अकेडमी, ऑल ऑफ दैट हैज इट्स ऑर्गेनाइज बाय गुंजन जैन एंड मेरी विद्या अकेडमी। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट एंड मुझे बहुत मजा आया शो में। बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी हुई एंड एज एन ओवरऑल द शो वॉज अमेजिंग। जो कंटेस्टेंट्स आए थे वो बहुत ही स्किल्ड थे और अच्छे से उन्होंने वॉक किया, उनकी आई कॉन्टैक्ट थी। जो बच्चे थे, बच्चे तो बहुत ही प्यारे थे शो में, और ये शो में बहुत कुछ था। देयर वर टीनेजर्स ऑल्सो, बच्चे भी थे, मिस्टर भी थे, मिसेस भी थे, मिस भी थे। तो एंड में सबका क्राउन सेरेमनी हुआ, फेलिसिटेशन हुआ, तो उसमें बहुत मजा आया एंड आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। थैंक यू। मैम, सबसे पहले दूसरा सवाल मेरा ये है कि बॉम्बे तक का सफर करना हर किसी की ख्वाहिश होती है, ऐसे में आप गुंजन जैन के बारे में क्या कहेंगे कि वो एक ऐसा मंच लोगों को दे रही है जहां से लोगों को सीखने का मौका तो मिल ही रहा है, साथ ही आगे बढ़ने के लिए भी उनके पास एक अच्छा खासा मौका है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जिन्होंने हिस्सा लिया, और आगे जाके अगर उन्हें कोई मुश्किलें आती हैं तो ऐसा मंच क्या उन्हें बार बार मिलना चाहिए और किस तरह की चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? कंटेस्टेंट्स के बारे में तो यही कहना चाहूँगी कि सबने बहुत कॉन्फिडेंस से किया, और ऐसे शोज करने का यही फायदा होता है कि आप जीतो हारो ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब आप और शोज करते हो, फिर आप में कॉन्फिडेंस आता है, आपके पेरेंट्स भी आप में बिलीव करने लगते हैं, और फिर ही आप कुछ अचीव कर पाओगे ना। जब आप खुद में बिलीव करते हो, आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करते हैं, वैसे ही बहुत लोग ऐसी कॉन्फिडेंस के साथ मुंबई आते हैं और फिर अपने सपनों को कन्वर्ट करते हैं रियलिटी। So this is what I would like to say about the contestants, कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो ये मैटर नहीं करता। आप गए, आपने शो पे परफॉर्म किया, आपने वॉक किया कॉन्फिडेंस के साथ, वो मैटर करता है। एंड गुंजन जैन के बारे में कुछ बोलना चाहोगी, वो भी 21 ईयर्स की है जैसे कि मैं हूँ, एंड उसने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किया है एंड आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट। सो दैट्स व्हाट आई लाइक पूछना चाहती हूँ कि इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा फेमस कैसा लगता है? मैं आपको क्या बताऊँ, मैं फेमस नहीं हूँ, मुझ पे बस भगवान की दया है, कृपा है, एंड ऑल थैंक्स टू माय पेरेंट्स, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मैं जो इवेंट्स करती हूँ, मैं जो शूट पे जाती हूँ, वो सब वो उनका ब्लेसिंग है, उनका हाथ है मेरे सर पे, तो ही मैं ये सब कर पा रही हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड ये सब बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मैंने कभी एनविजन नहीं किया था कि मैं यहाँ पे होगी। तो आई एम हियर एंड आई एम एंजॉयिंग इट एंड बस पेरेंट्स को प्राउड कर रही हूँ। एक्ट्रेस और मॉडल बनना, क्या बचपन से ही आपका सपना था या फिर धीरे धीरे, मतलब बचपन में आप कुछ और बनना चाहती थी, उसके बाद एकदम से देखा कि अभी जो है लोगों में एक नेम और फेम के लिए सबसे पहले लोग एंटरटेनमेंट को ही चुनते हैं, क्या कुछ ऐसा था या फिर बचपन से एक शौक था कि नहीं मुझे एक बहुत बड़ी मॉडल बनना है या एक्ट्रेस बनना है? मुझे शौक था कि मुझे कैमरा पे दिखना है। जब भी मेरे सामने, जब मैं छोटी थी ना, मेरे सामने कैमरा आ जाता था तो मैं सिंग करती थी, मैं डांस करती थी, मैं वॉक करने लगती थी, मैं एक्टिंग करने लगती थी, मैं कुछ भी करती थी, तो मुझे कैमरा पे दिखना अच्छा लगता था। सो दिस वाज मी एज अ किड, ओके। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी, क्योंकि मेरा एक भाई है, एल्डर भाई है, और जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मैं आई एम बीन ट्रीटेड एज अ स्मॉल किड इन दैट होम, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, मैं मैनेज कर लेती थी। और मम्मी को पता था कि अगर मैं डांस कर रही हूँ तो उनको मुझे बैठ के रात को पढ़ाना है, और अगर मैं डांस क्लास जाती थी दिन में तो मैं रात को पढ़ती थी, तो मम्मी ने सब हैंडल किया अच्छे से। तो यस, अभी तक के एक्टिंग के करियर में कोई ऐसा लम्हा जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हो और आपको याद हो, या कोई ऐसा आपका फेमस कोई डायलॉग हो आपका जिसे आप बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपने अमेज़न प्लेटफॉर्म पे एक मूवी भी बनाई है साथ शेर शाह करके, उसमें भी आपने एक रोल प्ले किया, तो उसके लिए क्या? शेर शाह में तो बहुत ही छोटा रोल था एंड दैट इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, होपफुली
भगवान के दया से आई विल डू मेनी मोर मूवीज एंड होपफुली आई डू अ लॉट ऑफ मूवीज एंड गुड कैरेक्टर्स एंड एक्टिंग स्टार्टिंग में भाग्यलक्ष्मी में मुझे बहुत दिक्कत होती थी बट मेरे एक्टर्स मेरे को एक्टर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया और आज मैं एक ठीक ठाक एक्टर हूँ अच्छी एक्टर हूँ मैं बेटर इम्प्रूव कर रही हूँ सो यस एक्टिंग एक्टिंग का तो यही है कि आप जब स्टार्टिंग में करते हैं ना आपको जब आप सेट पे जाते हो आपको रियलाइज होता है कि आपको कुछ नहीं आता तो आपको फ्रॉम स्टार्ट जीरो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड देन यू हैव टू मेक योर वे अप तो बस आप सीखते रहो रोज इंडस्ट्री में आइडियल कौन है ऐश्वर्या खरे मुनीरा जी TV29 न्यूज के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी में ज्यादा एक सवाल मैं बस यही कहना चाहूंगी अपने यूथ को के कीप ड्रीमिंग और आप जितने ड्रीम्स देखो उतने कम है कीप ड्रीमिंग और जस्ट मेक श्योर कि आपके पेरेंट्स आपको ब्लेसिंग दें क्योंकि उनके ब्लेसिंग के सिवाय कुछ नहीं होगा आपके लाइफ में तो बस मेक श्योर दैट दे आर हैप्पी और जो बस मेक श्योर दैट दे आर हैप्पी दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से एंड आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल लाइक एंड कमेंट थैंक यू तो ये थे मेरे साथ मुनीरा कुदरती जिन्होंने बताया अपनी जर्नी के बारे में भी जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में एक अच्छी खासी सफलता और एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और इसका पूरा श्रेय उन्होंने अपने माता पिता को दिया है। बोजो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के प्रसिद्ध बिजनेसमैन और एक उभरते हुए कलाकार राजू पंजाबी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर आपका TV29 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। इंडिया टॉप मॉडल में आपने भी हिस्सा लिया आपने भी पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले मैं इस उम्र में आपकी कला के बारे में जानना चाहती हूँ कि आखिर ये कला कहाँ से आई बचपन से थी या फिर कोई ऐसा टाइम रहा कि जिसमें आप एक बहुत बड़े मतलब आप कलाकार बन चुके हैं। ऐसा था कोई मैं बचपन में कोई ऐसा मेरे में कुछ नहीं था ये तो सिर्फ लॉकडाउन आया था उसमें मैंने कुछ अपने शौक निकाले और देखा भी मैं भी कुछ करूँ इस लॉकडाउन का फायदा उठाऊँ तो मैंने डांस की क्लासेस ली सिंगिंग की क्लासेस ली मैंने तो कुछ अपनी एक्टिविटी बढ़ाई मैंने तो ऐसे मैंने सब कुछ किया और आगे फिर मेरे को लगा यार मैं इवेंट्स में जाऊं लोगों के साथ जुड़ूं तो मेरा मन और लगा तो अब मैंने सोचा है फिर मैंने पिछले साल एक एल्बम भी निकाली उसमें मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैंने सोचा भी कुछ इवेंट्स में भी काम करूँ और आगे लड़कियों लड़कों को आगे लेके आऊं। सर एक मिनट मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने कहा कि आपके एक एल्बम आई उसके रिस्पांस आपको बहुत अच्छा मिला अब आगे दर्शक आपके आपको कहाँ देख पाएंगे और कितनी एल्बम्स आने वाली है और किस तरह की तैयारी है अपने इस जुनून और जज्बे को लगातार कायम रखने की। मेरी दो एल्बम नेक्स्ट मंथ में आने वाली है और मैं एक शॉर्ट मूवी भी कर रहा हूँ तो वो भी शायद 2-3 महीने में आ जाएगी तो मैं काफी कुछ लगा हुआ हूँ इस समय तो काफी चीजें मेरे आगे हैं तो बाकी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। इवेंट कंपनी जिस तरह से आपने बनाई है उसका उद्देश्य क्या है और किस तरह से आप अपने साथ साथ आप और भी लोगों को एक जो कलाकार हैं उनको एक मंच देंगे और किस तरह से उनकी मदद करेंगे। गोजो कंपनी मैंने एक इवेंट्स के नाम से भी बनाई है गोजो कंपनी के नाम से इवेंट्स प्रोडक्शनों से बनाया है तो मैं चाहता हूं भी मैं अपने आप को भी एक्टिव रख सकूं और अपने साथ अपने लोगों को दोस्तों को खुश कर सकूं और उनकी कुछ मदद कर सकूं मैं मेरे दिल की ये इच्छा है। सर जो लोग टैलेंटेड तो होते हैं लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते क्या ऐसे लोगों को भी आपकी कंपनी की तरफ से मदद मिलेगी क्या उनकी जो प्रतिभा उसको निखारा जाएगा और उन्हें एक सुनहरे भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। बिल्कुल हाँ जो लोग ऐसे हैं जो जिनके पास पैसों की दिक्कत है उनमें टैलेंट है अच्छा तो मैं उन लोगों की बहुत हेल्प करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा मेरा मन है उनकी टैलेंट को आगे लेके आऊँ मैं। अगर मैं राजू पंजाबी की बात करूँ तो राजू पंजाबी अब अपने आप को कहाँ देखेंगे और साथ ही अगर आपके मैं यूट्यूब चैनल की बात करूँ फिर या इंस्टाग्राम चैनल की बात करूँ तो लोगों से क्या कहेंगे हमारे हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे। रियल राजू पंजाबी से मेरी इंस्टा आईडी है उसमें देख सकते हो मेरी एक्टिविटी और मैं आगे राजू पंजाबी के ही नाम से आगे बहुत कुछ करना है एल्बम्स वगैरह शॉर्ट मूवीज वगैरह बिग मूवीज वगैरह करने जा रहा हूँ मैं। तो ये राजू पंजाबी थे जिन्हें आप सुन रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने आपको अपनी आईडी भी बताई तो इनकी आईडी को जो इनकी इंस्टाग्राम आईडी है इनका जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें इंस्टाग्राम पर इन्हें फॉलो करें और इसी तरह से राजू पंजाबी आपको आगे भी नई नई एक्टिविटी के साथ मिलते रहेंगे। ये कलाकार है और आप जो न्यू जनरेशन है उन्हें भी एक मंच देने का आगे कार्य कर रहे हैं। मौजूद है सना सूरी इंडिया टॉप मॉडल में चीफ गेस्ट रही हैं।
मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप एक प्रोग्राम की चीफ गेस्ट आई हो TV29 न्यूज में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शो के लिए क्या कहना चाहेंगे? शो के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इन लोगों ने जो कैटेगरी दी है फ्रॉम चिल्ड्रेन टू टीनेजर्स, फ्रॉम टीनेजर्स टू अ वुमेन एंड कपल, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेज टू शोकेस योर सेल्फ एंड दे आर गिविंग अ चांस टू फ्रेशर्स जो हम लोग के टाइम पे नहीं होता था, हम लोग को मौका नहीं मिलता था। आज वो ये ऑर्गेनाइजर्स फ्रेशर्स को मौका दे रहे हैं, ये मुकाम दे रहे हैं अपने आप को कुछ बनाने का और दिखाने का, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, गॉड ब्लेस यू गाइस, एंड कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट थिंग यू विल वेयर एवर। थैंक यू। कुंजन जैन के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जिसने एक मंच दिया सबको, और उन लोगों ने प्रतिभागियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया? वही मैंने बोला अभी उन्हीं के बारे में। आई थिंक कुंजन जी इज डूइंग अ वेरी वेरी गुड थिंग बाय गिविंग अ चांस टू ऑल द फ्रेशर्स। वो बॉडी हाइट शक्ल नहीं देखते हैं, बट हमारे टाइम पे ये सब बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए जो लोग टैलेंटेड भी थे उन लोगों को भी मौका नहीं मिला। बट आज बिकॉज ऑफ दिस स्टेज एंड बिकॉज ऑफ गुंजन जी, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग चांस टू शोकेस देमसेल्व्स, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। थैंक यू गुंजन जी फॉर गिविंग चांस टू पीपल लाइक हु कैन नॉट शोकेस देमसेल्व्स। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV29 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ उमेश पाल। मैं इस समय ये प्रोग्राम जो हुआ है वो प्रोग्राम बिना एंकर के कभी कोई प्रोग्राम सफल नहीं होता। एंकर के रूप में संतोष टंडन जी ने चार चांद लगा दिए इस प्रोग्राम में। मैं कहना चाहूँगा पंकज जी आपसे इस प्रोग्राम में, खासकर संतोष भैया बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए आज के प्रोग्राम के बारे में, इन बच्चों के बारे में और जो आए हैं? हमें लगता है आज बहुत सारे लोगों ने पहली बार वॉक किया, बहुत सारे महिलाओं ने आज क्राउन जीता, इसके अलावा मिस ने और स्पेशली छोटे बच्चों का स्पेशल वॉक रहा है, उन बच्चों को आज हमने देखा इस मंच में पहली बार वॉक करते हुए। साथ ही साथ आज हम लोगों के सामने इतनी अच्छी एक्ट्रेस जो कि आए दिन GTV के माध्यम से घर घर में जानी जाती है, कुदरती मैम, जो आज यहाँ पे आई। और साथ ही साथ मैं थैंक्स करूँगा हमारे ऑर्गेनाइजर, हमारे पंकज जी, मनोज जी और उनके पूरे टीम का, गुंजन जैन का, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज भी आज का ये शो ऑर्गेनाइज किया और मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला। क्योंकि महिलाओं के जब हम आरक्षण की बात करते हैं, 30% की बात करते हैं, तो आज बहुत सारी महिलाएं जो रसोई से निकलकर पहली बार वॉक कर रही थी, क्योंकि मिसेज ने भी बहुत सारे आज वॉक किया और इनाम भी जीता। तो मैं मीडिया के सभी साथियों का और TV29 के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि इस सोशल कॉज को आपने बहुत अच्छे तरीके से कवरेज किया है। आपको एज अ गेस्ट इन्वाइट किया गया है, सबसे पहले शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? I will say Gunjan has done a wonderful job, and organizers, Mr. Raja and everybody, 3 cheers for them. Wonderful program, wonderful music, wonderful work by the makeup artist, everything is awesome. अपने बारे में कुछ बताइए कि आपके सर पे ताज सजा हुआ है, ये ताज आपको कब मिला और आपने ये विनर का भी एक मतलब पहना हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Yes, actually I won Delhi Miss Glamorous Delhi NCR 2023 award, which was organized by Vocal for Local Talent Promoters, and it is sponsored by under the Modi government, and it is a government organized program, and this was organized in July. So I won that pageant. I was the crown winner. यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि हर एज ग्रुप के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चा हो, बड़ा हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, और साथ ही अगर मेकअप आर्टिस्ट की बात करें तो उन्होंने भी हिस्सा लिया। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनका मनोबल कैसे बढ़ाएंगे, कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि वो इन फ्यूचर अपने करियर को और भी ज़्यादा निखार सकें? सबसे पहले तो मैं सभी को, गुंजन जी ने जैसे सबको प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी आगे शोकेस करने का मौका मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, डेयर टू ड्रीम एक शब्द है, हर एज ग्रुप को डेयर करना चाहिए। ये ड्रीम्स पूरे करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कपल अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पे मिस कैटेगरी के कंपटीशन हो रहा है, मिसेस कैटेगरी का कंपटीशन हो रहा है, एंड आई थिंक शी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब बाय लेटिंग एवरीबॉडी पार्टिसिपेट, एंड सेलिब्रिटी गेस्ट फ्रॉम मॉडलिंग इंडस्ट्री, फ्रॉम TV इंडस्ट्री जो आए हैं उनकी वजह से प्रोग्राम में 4 चांद लग गए हैं। मैम, इंडियाज़ टॉप मॉडल शो में आपने हिस्सा लिया, ब्रांड एम्बेसडर आप बनी, किस कैटेगरी में आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। मुझे मिस कैटेगरी में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। गुंजन मैम के साथ मैं पहले भी एसोसिएटेड थी, अर्लियर उनके season 1 में मैं शो स्टॉपर रही हूँ, सो अब मैं यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर हूँ, सो इट्स रियली अ ग्रेट न्यूज़ फॉर मी एंड आई एम सो हैप्पी
बीइंग द ब्रांड एम्बेसडर। मैम इससे पहले आप और कितने इस तरह के अवार्ड जीत चुके हैं और कहाँ कहाँ आपने अभी तक पार्टिसिपेट किया है? जिस तरह से मुझे पता चला कि आप इससे पहले भी 17 या फिर 18 अवार्ड्स जो है वो आप अपने नाम कर चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी मैं 17 से 18 टाइटल्स जीत चुकी हूँ, जिसमें मैं KGM ड्रीम्स की नॉर्थ जोन विनर रही हूँ, फर्स्ट रनर अप मिस यूनिवर्स पैजेंट में रही हूँ, मिस इंडिया क्वीन रही हूँ। सो 17-18 टाइटल्स ये ब्यूटी पैजेंट्स रिलेटेड हैं। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट, पोएट, ये सब कैटेगरीज में भी काफ़ी अवार्ड जीत चुकी हूँ एशिया लेवल पे। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ और MBA होल्डर हूँ, बट ये मेरा पैशन है तो इसलिए मैंने मॉडलिंग लास्ट ईयर से स्टार्ट करी है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं? उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि हार्ड वर्क करते रहिए और डेडिकेटेड रहिए, और जो भी आपका फोकस है, अगर आप मॉडलिंग में जाना चाहते हैं तो बी फोकस्ड ऑन मॉडलिंग, इफ यू वांट टू गो ऑन पेजेंट्स देन फोकस ऑन पेजेंट्स, ग्रूम योरसेल्फ टू द बेस्ट एंड यू विल श्योरली रॉक इट। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहां से आया? मैम आई एम शीशकांत, आई पुट अप फ्रॉम प्रताप बिहार गाजियाबाद। ये बताइए बच्चे ने इंडिया टॉप मॉडल में प्राइज जीता है, कैसा लग रहा है? क्योंकि हर माँ बाप के लिए एक सपना होता है कि उसका बच्चा जब स्टेज पे जाए तो माँ बाप का नाम रोशन करे और हाथ में प्राइज लेकर आए। या वेरी ट्रू मैम, एंड आई एम सो ग्लैड, इट वाज एक्सपेक्टेड फॉर मी, बट हैप्पी टू दैट शी परफॉर्म वेल एंड गेट लाइक थर्ड प्राइज इन दैट, एंड आई विश कि कंटिन्यूसली ऐसी परफॉर्म करे और आगे जाए, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है जो मेरे में कमी रहे मेरा बच्चा पूरा करे। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आप मदर हैं और बहुत खुश नजर आ रही है मुझे। बच्चा कितने साल का है, कौन से में पढ़ता है और कैसा लग रहा है? हाँ मैं इनकी मम्मा हूँ, इनका नाम श्रेयांश है, ये 5 ईयर्स के हैं और KG क्लास में है। ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए बिल्कुल, और मैंने इसीलिए इनको पार्टिसिपेट भी कराया था, कोई प्रैक्टिस नहीं थी, कुछ नहीं था, पार्टिसिपेट हम लोगों ने कराया क्योंकि ऐसे मंच होने चाहिए बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए, बढ़ाने के लिए, और मैं खुद का पर्पस यही था कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और सच में इन्होंने जो प्राइज विन किया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और आगे के लिए इनके लिए खुद भी एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ गया है और हमारे लिए भी कि आगे कैसे शोज हम में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। अच्छा आप बताओ आपको कैसा लग रहा है प्राइज जीतकर? मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आप आगे भी पार्टिसिपेट करोगे? हाँ। माँ बाप का नाम ऐसे रोशन करोगे? हाँ। खुश हो आज आप? पार्टी होगी फिर आज तो घर? इनके एज में एक स्टेटस भी एज आएगा, और भी मदर्स जो देखेंगे हमारे जितने कांटेक्ट में हैं, फिर वो लोग भी आगे बच्चों को अपने पुश करेंगे कि ऐसे ऐसे शोज में पार्टिसिपेट करें और बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। थैंक यू। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं और कहां से आया? एक्चुअली मेरा नाम आशीष भारद्वाज है, मैं गाजियाबाद से आया हूं, और मुझे बड़ी बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बेटी ने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, एंड दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू अबाउट द चिल्ड्रेन हु इज पार्टिसिपेटिंग द मॉडलिंग, एंड मुझे काफ़ी खुश हो रही है कि मेरी बेटी ने आज प्राइज जीता है, एंड आई एम एक्चुअली वी आर वेरी प्राउड टू अवर डॉटर। थैंक यू सो मच। मैम आप बताइए कि बच्ची ने प्राइज जीता, कौन सा प्राइज मिला है और इससे पहले कितनी बार पार्टिसिपेट कर चुकी है? मैम ये इसका फर्स्ट टाइम है, एक्चुअली हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और इसने प्राइज जीता, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर, फर्स्ट प्राइज इसने जीता है, आई एम सो एक्साइटेड, और मैं चाहूंगी कि आगे भी ये इसमें पार्टिसिपेट करती रहे, इंडियाज टॉप मॉडल में आज इसने पार्टिसिपेट किया, आई एम सो एक्साइटेड। क्या प्रैक्टिस वगैरह भी कराई थी उससे पहले कुछ? नहीं मैम इसका, और एक्चुअली ये इंजर्ड है, इसको चोट लगी है अभी 2 डेज पहले, और इंजरी के बाद भी इसने पार्टिसिपेट किया। तो आप अपना नाम बताओ, आप अपना नाम बताओ। माय नेम इज अनीरा भारद्वाज। अनीरा विनर हो आप, फर्स्ट प्राइज आपको मिला है, कैसा लग रहा है ये बताओ सबसे पहले? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत एक्साइटेड थी पहले, मैं आज भी पार्टिसिपेट करूंगी। मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए, अपने बच्चे का नाम बताइए। जी मेरा नाम आरती है और मैं मैनपुरी से बिलोंग करती हूँ, और मेरे बेटे का नाम आरुलपाल, ये मेरे हस्बैंड मिस्टर मेहुलपाल। ये बताइए कि बच्चे ने पार्टिसिपेट किया इंडिया टॉप मॉडल में और बच्चा विनर भी रहा, तो कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली प्राउड फील होगा, मतलब जो भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूट आई थिंक बहुत ऑनेस्टली हुए, एंड वी वेरी प्राउड ऑफ। मैम क्या बच्चा बहुत नटखट है, प्रैक्टिस वगैरह कराई थी इसको आने के लिए? नो मैम प्रैक्टिस नहीं कराई, एक्चुअली इसको एक बार दिखाया मैंने कि ऐसे करना है, बस इसके प्रैक्टिस नहीं करनी इसने, डायरेक्ट यहीं किया है आगे। अच्छा आप वेरी हाई, दैट्स व्हाई वी हैव डू इट। एक बार बच्चे से बात कर लूं, कैसा लग रहा है बेटा प्राइज जीत के? कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है। हां ये क्या है? ट्रॉफी। क्या है ये? ट्रॉफी।
ट्रॉफी। And he's a 3 years old, ma'am. कितने साल का बच्चा? Ma'am, 3 years old ही है। Recently अभी हुआ है? Recently 3 years completed, 24 June. Sorry, July है।